जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। दीपोत्सव में मात्र 4 दिन बाकी हैं, लेकिन अयोध्या में सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस बार अयोध्या में राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो इस बार की दिवाली थोड़ा सा अलग मनाया जाएगी और बहुत धूमधाम से मनाया जाएगी। तो बने रहे इस वीडियो को लास्ट तक, चलिए आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह जो पूरा घाट है राम की पैड़ी से सटा हुआ है और इसकी लंबाई कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा और इसको पूरी तरह से सजाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन पूरे अयोध्यावासियों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और हो क्यों ना, क्योंकि इस दिन राम यहाँ पर फिर 14 वर्ष के बाद वापस आते हैं। और आपको एक चीज़ यहाँ पर स्तंभ, जो कि इस तो पहले ज़माने में लोग बनाते थे राजा महाराजाओं के, उनके गुण के बारे में, उनके बारे में लिखा जाता था, जो कि इस बार आपको अयोध्या में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे वहाँ से आपको दिखाई देगी इस तरह का। और यह आप देख सकते हैं कि सरयू घाट में बनाया गया ब्लॉक से, और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ दिन यहाँ पर भी आरती हो। और यह जो पुल देख रहे हैं इसको पूरी तरह से सजा दिया गया है। अभी तो शाम का टाइम है, रात में और ही सुंदर लगता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रात का टाइम है और इस टाइम यह और खूबसूरत लगता है। आपको बता दें कि अभी 4 दिन बाकी है, तो अभी पूरी तरह से इसको सजाया नहीं गया है, लेकिन इसको दीपोत्सव तक पूरी तरह से सजा दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मंच बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति और काफ़ी बड़े बड़े लोग जो आते हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे मंच बनाए जाते हैं, और यहाँ पर उनके रहने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ होती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से काम शुरू है। आपको बता दें कि इस बार जो है 21 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो कि उस बार जो 14 लाख के करीब में दिए जलाए गए थे, तो इस बार अगले साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। आपको बता दें कि अभी जो कुछ सजावटें हैं यहाँ पर परमानेंट कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइट ऊपर से पूरी तरह सुरक्षा इस पर लगा दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ कुछ लाइटें और जो लेज़र लाइट्स वगैरह हैं उसको भी परमानेंट कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर कल से दीप, जो कि दीपक यहाँ से सजना शुरू हो जाएगा, और इसको 3 दिन का टाइम लगेगा सजने में, तो कल से इसको दीपक यहाँ पर पूरी तरह से सजना शुरू हो जाएगा। और आप बता दें कि यहाँ पर एंट्री करने के लिए सबको पास बनाया जाता है, जो कि यहाँ पर महाविद्यालय और कॉलेज सबको, यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ आती हैं और वही यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और दीपोत्सव में भाग लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि यह रोड है, ये जो कि 1 से 2 किलोमीटर तक लंबाई तक होगी, और इसको पूरी तरह से इसको भी सजा दिया गया है कि इसको देखने पर और ही खूबसूरत लगता है। आपको बता दें कि यह जो सजावट है पहली बार ऐसा नहीं किया जा रहा है, यह 3-4 सालों से ऐसा ही सजावट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। और यह नया घाट है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि सजा दिया गया है। और यहाँ पर देखने के लिए इस बार बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं, और शाम को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर लगता है। और बीच में जो आप लोग फव्वारा देख रहे हैं, यह हाल ही में इसको लगाया गया है, यहाँ पर पहले फव्वारा नहीं था, लेकिन अब फव्वारा भी लगा दिया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर लेज़र शो भी आप लोग देख सकते हैं कि लेज़र से भी यहाँ पर श्री राम जी के रामायण यहाँ पर चलाया जाएगा, जो कि अभी चल नहीं रहा, तो अभी इसको पूरी तरह सेटअप नहीं हुआ है, तो 2 दिन या 3 दिन में जब राम की पैड़ी, मतलब जब दीपोत्सव शुरू होगा, तब यहाँ पर रामायण आप लोग पूरी तरह देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग अभी से आना शुरू कर दिए हैं, और बहुत ज़्यादा लोग अभी भी यहाँ पर इसको देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से सेटअप हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर रामायण अभी चल नहीं रहा। जब पूरी तरह सेटअप हो जाएगा तो यहाँ पर रामायण चलना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए आप बताइए कि आप यहाँ कब आ रहे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना।